हमारे साथ इस फ्रेम में आप तमाम बच्चियों को देख रहे होंगे ये बच्चिया जो है गोल्ड मेडलिस्ट है ये बच्चिया जो है सिल्वर मेडलिस्ट है तमाम बचिया जो है कराटे गेम में प्रतियोगिता में भाग ली थी हाल ही के दिनों में आपको एक खबर सीतामढ़ी की आवाज़ पर दिखाया गया था ये बताया गया था कि नेशनल कराटे चैंपियनशिप 2023 का जो है स्प्रिंगल इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल में आयोजन किया गया था दो दिन का ये पूरा आयोजन था हमारे साथ आप देखिए इन तमाम बच्चियों को जो कराटे में अलग अलग कैटेगरी में भाग ली थी और उसके बाद जो है अब आप ये कह सकते हैं कि नारी सशक्तिकरण के लिए ये लोग पूरी तरीके से तैयार है हमारे साथ कुछ बच्चिया इन तमाम लोगों से बातचीत भी करेंगे इनसे जानेंगे कि किस कैटेगरी में कौन सा मेडल मिला है क्या गेम था और किस तरीके से ये पूरे गेम को खेले हैं क्या नाम है बाबू प्रियांशी प्रियांशी किस क्लास में हो थ्री, थ्री में अच्छा क्राटे में आप लोग भाग लिए थे आपको कौन सा मेडल मिला? सिल्वर।, सिल्वर मिला है तो इसके लिए आप लोग कितना मेहनत किए थे कितना पहले से तैयारी था अच्छा था अच्छा था अच्छा तो आपको उस दिन जब गेम हुआ तो किन किन लोगों से लड़ना पड़ा था मानवी मानवी दी दी से दी से लड़ना पड़ा था उसके बाद जाके आपको ये मेडल मिला था अच्छा आप क्या आगे चल के कितना आगे जाना चाह रही है बहुत आगे बहुत आगे जाना चाह रही है तो उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा करेंगे, आ, करेंगे। अच्छा स्कूल का नाम कितना रोशन करेंगे आप बहुत रोशन बहुत रोशन करेंगे तमाम बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे साथ तमाम लोगों से बातचीत करेंगे क्या नाम है आपका पूजा पूजा किस क्लास में है आप क्लास टू बी क्लास टू बी में है तो कितना तैयारी था आपका पहले से बहुत अच्छा कौन सा मेडल लाए हैं गोल्ड मेडल गोल्ड मेडल ये छोटी सी प्यारी सी बचिया है गोल्ड मेडल लाई है कितना वजन कितना वेट है आपका ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री में आप गोल्ड मेडलिस्ट है अच्छा गोल्ड मेडल लाए हैं पापा मम्मी को बताएस कितना खुश हुए बहुत बहुत खुश हुए हैं क्या कह रहे थे पापा मम्मी बहुत अच्छा बहुत अच्छा कह रहे थे चलिए कितना तैयारी करना पड़ा था कितने लोगों से आप लड़े पूरा बहुत तान्या से लड़े थे तान्या से लड़े थे तैयारी पूरा था इस बार मतलब कि मन मना के गए थे गेम में कि हमको गोल लाना है अच्छा कुछ और बच्चे हैं उनसे जानते क्या नाम है बाबू आपका अनुष्का अनुष्का किस क्लास में हो फोर्थ अच्छा स्कूल का नाम क्या है स्पिंडल इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल अच्छा यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाई के साथ साथ जो है कराटे ये तमाम चीजें सिखाया जाता है आ, कौन सर है जो आपको ये तमाम चीजें सिखाते हैं रोमियो सर रोमियो सर सिखाते हैं रोमियो सर कितना दिन से आप लोग को प्रैक्टिस करवा रहे थे ये पूरे गेम के लिए बहुत दिन से बहुत दिन से करवा रहे थे पूरी तैयारी थी yes. कौन सा मेडल आपको मिला है गोल्ड गोल्ड मेडल मिला है कुछ और बच्चिया हैं उनसे जानते हैं कौन सा गेम था किस गेम को आपने खेला है कराटे नेशनल चैंपियनशिप 2023 तेईस अच्छा तो इसमें कहाँ कहाँ के बहुत सारे बच्चियाँ आई थी अलग अलग जगह के अलग अलग राज्य के उन सबसे लड़के आपने कौन सा मेडल हासिल किया है गोल्ड गोल्ड हासिल किया है गोल्ड हासिल करने के बाद शिक्षक लोग माता पिता क्या कह रहे थे बहुत अच्छा कह रहे थे बहुत अच्छा कह रहे थे सब लोग अप्रीशियेट कर रहे थे तो इसमें कितना आगे जाना है आपको बहुत आगे जाना है बहुत आगे जाना है तो उसके लिए तैयारी तो करना पड़ेगा हाँ मेहनत करती है जी अच्छा पढ़ाई लिखाई कैसा है आपका पढ़ाई लिखाई में कितना आप कौन सा डिविजन लाती है हर बार पढ़ाई लिखाई कैसा है पढ़ाई लिखाई अच्छा है फर्स्ट सेकंड हमेशा लाते हैं फर्स्ट सेकंड हमेशा लाती है और यहाँ भी जो है आप फर्स्ट कर गई चलिए कुछ और बच्चे ना, क्या नाम आद्या 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 किस क्लास में हो फोर बी में फोर बी में अच्छा आ, कौन सा मेडल लाए हो ब्रोंज ब्रोंज लाए हो तो मेहनत करके अगली बार गोल्ड डालना है हाँ। तैयारी पूरा करोगे हाँ। मेहनत करना है हाँ। आपका क्या नाम हुआ मानसी भास्कर मानसी भास्कर किस क्लास में है फिफ्थ बी फिफ्थ बी में है कितनी तैयारी थी बहुत अच्छी तैयारी बहुत अच्छी तैयारी थी बहुत सारे लोग आए थे अलग अलग जगह से कराटे के लिए तमाम लड़कियों से लड़कर आपने कौन सा मेडल गोल्ड मेडल गोल्ड मेडल हासिल किया है तो इससे कितना खुशी अपने आप को मिले बहुत खुशी बहुत खुशी मिल रहा है क्या लग रहा है कि आगे चल के आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाएंगी हाँ, हाँ। पूरा तैयारी रहता है अच्छा मारपीट में आप लोगों को कितना आनंद आता है क्यूँकी ये पूरा गेम जो है एकदम फाइट करने का होता है कितना आनंद आता है मारपीट में पढ़ाई लिखाई से ज्यादा पढ़ाई लिखाई से ज्यादा घर पे भाई बहन से लड़ाई उड़ाई करते है थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत कर लेते हैं देखिए बच्चा मुस्कुरा रही है और बता रही है क्या नाम है आपका संजना आनंद अच्छा संजना आनंद जी ये बताइए किस क्लास में है आप क्लास एट अच्छा स्कूल की पढ़ाई हाँ लिखाई कैसी होती है पहले ये आप स्कूल की पढ़ाई हाँ लिखाई बहुत अच्छी होती है अच्छा यहाँ पे तैयारी और किन किन चीज़ों का कराया जाता है डांस म्यूजिक कराटे स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग एवरीथिंग उस दिन देखे काफी बच्चियाँ थी जो अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम्स कर रही थी वो भी काफी मनमोहक था जो दर्शक थे उनके लिए आप काफी आकर्षक का केंद्र बना रहा आप लोग जब कराटा कर रहे थे उस समय चोट उठाने का तमाम संभावना रहता है आपको भी चोट आया यस yes. चोट आया था उसके बाद भी हार नहीं मानी कौन सा मेडल लाए गोल्ड मेडल गोल्ड मेडल लाई है देखिए ये ये बचिया जो है अभी भी इंजर्ड है और इंजर्ड होने के बाद भी गोल्ड मेडल लाई है मम्मी पापा क्या कह रहे थे दे वर प्राउड प्राउड ऑफ मी अच्छा कर रहे थे आगे आजकल जो है बचिया जो है अब किसी बच्चों से ये भेदभाव धीरे धीरे जो है खत्म होता जा रहा है क्या चाहती हैं कि आप राष्ट्रीय लेवल पर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कितना आगे जाना चाहती हैं इंटरनेशनल लेवल आई वांट टू गेट गोल्ड मेडल फॉर माय कंट्री अच्छा कंट्री के लिए देखिए ये बहुत अच्छी बात है तमाम लोग एक बार इस बच्चे के लिए ताली बजाइए तो ये बच्चिया जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है आ, ये चीज़ें हैं अब आपका क्या नाम है करुणा कुमारी अच्छा करुणा कुमारी किस क्लास में है आप सिक्स ए सिक्स ए में है अच्छा कितनी तैयारी थी पहले से आपको क्योंकि आपके स्कूल में बहुत सारे अलग अलग स्कूल के अलग अलग राज्यों के बच्चे आए थे उनसे आपको लड़ना था कौन सा मेडल है गोल्ड मेडल गोल्ड मेडल लाए हैं गोल्ड मेडल लाने के लिए कितना तैयारी करना पड़ा कितना मेहनत लगा बहुत मेहनत लगा बहुत मेहनत लगा।, लगा कौन तैयारी करवाते हैं ये तब तो? रोशन राज अच्छा तो उनका जो है आ, क्लास आवर रहता है क्लास आवर के बाद कितना आ, रोज आप लोग प्रैक्टिस करते हैं या फिर कैसे वीकली होता है विकली। विकली आप लोग को तैयारी करवाया जाता है और कराटे वक्त रोज होता था कराटे रोज होता है तो ये सब चीज़ क्या आप लोगों को इस सब चीज़ में पढ़ाई के अलावा इस सब फील्ड में मन लगता है जी